पोर्टल में प्रॉब्लम की समस्या सरसों की फसल लेकर घरौंडा मंडी में पहुंचे किसानों की परेशानी का कारण बनी हुई है। किसान कई दिन तक अपनी फसल को मंडी में लेकर पड़े रहते हैं, लेकिन पोर्टल का टेक्निकल फॉल्ट किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। पोर्टल की खराबी के कारण सरसों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। सरकारी तंत्र के डिजिटल सिस्टम में उलझा किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है और किसानों की मजबूरी का फायदा पर्चे जर उठा रहे हैं। बलजीत है जी। बलजीत जी कहाँ से आए हैं? बड़ा से। सरसों यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं? हाँ, पहुँचे। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत तो नहीं आ रही, सारा दिन हो मान ले आंधे उन सुखाए दीवा, सारा दिन मान ले दू मैवा मैं कटवा के लिया था, बिल्कुल सूख की थी। आंधे सिल्ली बताए दी बोले भाई सुखाएंगे, सारों को बिछाए दीवा और यू टे मैं लिया मैंने लठ दे कर न वह बटड़ी करवाई में खाई न्यू तो बता दे इस मई बोर के सिला भर रहा तो जमा जमा सूख रही है कति कितना मॉइस्चर मांगते कड़क हो रही कति। अच्छा जीप जा कर वह बटड़ी करी है, जीप वह कट्ठी करी है, फिर बरसाया कर न फिर उसमें जो ये कंडीशन कह रहे हैं क्या वो पूरी हो सकती है? जिस तरह की कंडीशन रख रहे हैं क्या वो पूरी हो सकती है? इस सरसों में जो कह रहे 38 किलो तेल निकल तो इतना ही नहीं होंगे, बाकी सरसों सूत्री है, सिरसम में चमक भी पूरी है, मोटी करवा रखा मोटी सिरसम है मेरी जमा और जमा सारी सिकर दफारी मैं मान ले कटवा कर लिया था। तो कितने कब लेके आए थे आपने? मैं तो सवेरे आज से लिया था। हाँ हाँ, धन्यवाद। अपना घरौंडा मंडी में सरसों की आवक आई हुई है, तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए अभी तक हमारे पास 17,500 क्विंटल सरसों की आवक हुई है जी, जिसमें से 15,000 क्विंटल बिक चुकी है और 2,500 क्विंटल अभी मंडी में पड़ी है जी जी। इसमें से हफ्पड़ ने 11,500 क्विंटल लगभग खरीदी है जी, और 3600 क्विंटल प्राइवेट परचेज हो गई है जी। तो ज़्यादा सरकारी खरीद रही है यहाँ पर जी। हाँ जी, तो कोई इशू आ रहा है पोर्टल को लेकर? किसान परेशान है अभी? अभी थोड़ा सा ई खरीद पे हमारे पास गेट पास जारी नहीं हो रहा जी, मतलब कुछ कुछ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं बिल्कुल तो नहीं हो रहे हैं जी जी, लेकिन अभी डाटा हमारे पास ई खरीद पे नहीं आया है जी, तो जैसे ही आएगा तो जो किसान भाई लेकर आएगा उसके गेट पास जारी कर दिया जाएगा जी जी। तो किसानों को कोई संदेश आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ पर फ़ोन करके वैसे पूछ लें भाई, उनका पोर्टल है तो हम उनको बता देंगे कि आपका गेट पास जारी हो सकता है जी, तो वो ले आएंगे। कुछ लोगों की कंप्लेंट हमने ऊपर भेज रखी है जी, तो हम जैसे ही ये सॉल्यूशन होगा तो उनको फ़ोन करके बोल भी देंगे इस बारे में जी।